हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं खाने जा रही हूँ नेपाली डिश जिसको बोलते हैं कोदो का ढेरों। कोदो मतलब ये जो रागी का आटा है उसको, एंड देन जो ढेरों है ये जो बना हुआ है फुफू जैसा, उसको बोलते हैं हम लोग ढेरों। तो ये हम लोग का नेपाली में बहुत खाते हैं, बड़े बुजुर्ग कोई खाते हुए देखा है, मैंने अपने ग्रैंड मदर को भी बनाते हुए देखा है कभी कभी। एक बार ट्राई किया था, बहुत ही गंदा टेस्ट लगा था क्योंकि इसमें नमक नहीं डालते उसके, वही था मेरा फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूँ, अगर इतना कुछ अच्छा लग ही रहा है तो ये भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं ट्राई करने वाली हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, तो ये तो वो खाने जा रही हूँ। एंड साथ में मैंने बनाया है मूली का साग एंड आलू दम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने पहले ठंडा होने दिया है इसलिए थोड़ा चमसा गया है, लेकिन ऐसे ही खाते हैं। हाँ, मेरे साथ में बेबी शूट का अचार भी लिया है। दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। ज़्यादातर लोग मीट के साथ खाना प्रेफर करते हैं, मीट एंड मीट का झोल। दैट लुक्स सो गुड। Thank you.
आलू तो इतना टेस्टी बना था कि खाते खाते पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड माय टुडेज़ वीडियो। ये वीडियो सो यू नो गाइस व्हाट टू डू। अगर आप लोग में से भी कोई ये खाता है ढेरों या फिर फूफू, आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग का लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। तो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।